किसान भाइयों, झारखंड में अगर आपकी मिर्च की खेती करना है तो जैसे कि एक IIPR वाराणसी के द्वारा जो है सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है, वहाँ से जो है K2 काशी अनमोल 2 करके जो बहुत ही अच्छा मतलब OP वेराइटी जो है, जो अपने से किसान बीज बना करके लगा सकते हैं, या IARI पूसा के द्वारा विकसित पूसा ज्वाला है, तो K2 जो काशी अनमोल 2 है, जिसका कि बीज जो है पलांडू स्थित हमारे अनुसंधान केंद्र में उत्पादन किया जाता है और 1 सेंटीमीटर के आसपास में मोटाई होता है, जिसका कि बाजार में डिमांड भी है और तीखा भी है, तो उसका कर सकते हैं। उसके अलावा पूसा ज्वाला है, उसके अलावा अर्का लोहित है, और कुछ प्राइवेट कंपनी की जो संकर किस्में आ रही हैं, जैसे कि सिंजेंटा का जो है HPH करके 117 नंबर है, VNR का 32 नंबर है, या और भी किसान भाई आप अगर प्राइवेट कंपनी का किसी का लगाना चाहते हैं संकर किस्म, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आप लगा सकते हैं। वो सब किस्म जो है जो झारखंड में उपयुक्त है। किसान भाइयों, अभी जैसे मिर्चा की खेती में दो चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, कभी भी मिर्चा की खेती अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है पत्ती को देख करके, जैसे पत्ती अगर ऊपर की ओर मुड़ी हुई है तो उसका मतलब है कि आपके खेत में जो है, मिर्च के खेत में जो है थ्रिप्स नामक कीट्स आ गया है। तो थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जो है कन्फिडोर नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके, या आशा टाफ करके सिफेट करके दवा आता है, उसे 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप अगर छिड़काव करेंगे तो इस कीट से आपका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, आप देखेंगे मिर्च का जब आप खेती करते होंगे तो पत्ती नीचे की ओर मुड़ी हुई रहती है। पत्ती अगर नीचे की ओर मुड़ी हुई है तो उसमें लाल मकड़ी करके बोलते हैं, माइट बोलते हैं, तो माइट अगर लगा हुआ है उसका पहचान है, आपको आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ पत्ती को देख करके आपको निर्धारण करना होगा कि यह माइट लगा हुआ है, पत्ती नीचे की ओर मुड़ा हुआ है। तो और उसके लिए जो है ओबीरॉन नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके, या ओमाइट करके एक दवा आ रही है बाजार में, उसको भी 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप अगर छिड़काव करेंगे तो उसे नियंत्रण होगा। किसान भाइयों, अभी तो अगर आप चाहते हैं कि गर्मा के मौसम में आपके खेत में मिर्च लगे तो उसके लिए जो है पहले तो है कि पौधशाला की तैयारी, और पौधशाला की तैयारी में अभी आपको ध्यान देना होगा कि जितना आघात अभी आप अगर पौधशाला तैयार करेंगे उतना ही आघात आपको गर्मा में फसल आएगा। अगर आप बाहर में पौधशाला तैयार करेंगे, ज़मीन में तैयार करेंगे, तो उसमें ज़्यादा लेट होता है और आपका फसल जो है ज़्यादा मतलब लेट आएगा, उसमें आपको गर्मी में जो है पानी की भी दिक्कत होगी और बाज़ार में दाम भी कम रहेगा। तो उसके लिए किसान भाई प्लास्टिक के ट्रे में जो तकनीक है, प्रो ट्रे तकनीक है, उसमें बिचड़ा बीज का बुआई अभी कर दें। 1 सप्ताह के अंदर में हम चाहेंगे कि बीज बुआई अगर कर दिया जाए है तो, और करने के बाद प्लास्टिक से ढक करके जब तक अंकुरण नहीं हो तब तक रात में जो है पारदर्शी प्लास्टिक, जिससे कि तापमान बढ़ जाए, उससे ढक करके रख दें। जब अंकुरण हो जाए तो प्लास्टिक को 1.5 से 2 फीट ऊपर, जहां पर भी आप ट्रे रख रहे हैं उसे 1.5 से 2 फीट ऊंचा करके, उसको मचान जैसा बना करके और प्लास्टिक से ढक करके रखें, जिससे कि रात में जो पाला पड़ता है उससे आपको बिचड़ा का नुकसान नहीं हो, और उस तकनीक से अगर आप करेंगे तो मिर्चा का आघात फसल जो है गर्मा में आपको आ सकता है। तो झारखंड में जो है मिर्चा की अगर खेती आपको करना है तो अप्रैल या मई के महीना में, अगर आपके पास पानी का साधन है तो आप अप्रैल या मई के महीना में अगर पौध की रोपाई करते हैं तो आपका सबसे अच्छा जो है मुनाफे वाली फसल जो है झारखंड में, अगर कैश क्रॉप कहें तो बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा अगर मुनाफे वाली फसल है तो हरी मिर्च की है। उस समय अगर आप मिर्च की खेती करते हैं तो हम समझते हैं 2 से 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ आपको शुद्ध मुनाफा प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों, हमारे झारखंड में अभी जैसे कि पानी की समस्या है, तो पहला तो विधि आपको पानी के बचत के लिए जो माइक्रो इरिगेशन है उसमें ड्रिप सिंचाई है, जिसमें कि सरकार से 90% सब्सिडी है, उसका प्रयोग करें। साथ साथ अभी आप देख रहे होंगे जिस खेत में हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ पर प्लास्टिक ढका हुआ है जो ऊपर से देखने में सिल्वर कलर का चांदी जैसा है, नीचे काले रंग की है, इसका प्रयोग, अगर ड्रिप का प्रयोग कर रहे हैं आप, प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको पानी के बचत के साथ साथ जो है आदमी का बचत भी होगा, नमी को भी आप बरकरार रखेंगे, और इससे उपज जो है, जो आप उपज अगर अभी आप कहीं पर 1 पौधा से 1 किलो प्राप्त कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इन तकनीकी का अगर प्रयोग आप करेंगे तो 2 से 2.5 किलो प्रति पौधा आप उपज प्राप्त कर सकते हैं, और इससे मतलब आमदनी आपको ज़्यादा होगा।